स्वागत है आपका हमारे YouTube इशिका किचन में। आज हम बनाएंगे घर पे बहुत ही सीक्रेट तरीके से अंडा पनीर पेटीज, जो कि आपने ना ही किसी चैनल पर देखी होगी ना अभी तक आपने इसको टेस्ट किया होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक करें। अब हम हमारी अंडा पनीर पेटीज की सीक्रेट रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने ये एक पेटीज ले ली है। बारीक कटा हुआ टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, पनीर, दही और ये एक कच्चा अंडा ले लिया है। अब हम फैन को गैस पे रखते हैं और गैस ऑन करते हैं, फैन को गर्म होने देंगे और इस पे हम 2 छोटे चम्मच रिफाइंड डाल देंगे। हमारा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पे डाल देंगे ये अंडा। और इसी के ऊपर डालेंगे ये बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, नमक 1 पिंच, पत्ता गोभी थोड़ी सी, टमाटर और पनीर की स्लाइस रख देंगे। और इसको धीमी आंच में थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए, अब जो हमारा ये ऑमलेट है इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ये देखिए पक चुका है। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं और इसको कर देंगे साइड में। और इस पे अब हम हमारी ये पेटीज इस तरीके से खोल के बीच में से और इसको गरम कर लेते हैं। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। अगर गरम है तो हमारी पेटीज जैसे मार्केट से लेके आए हैं गरम तो नहीं आती, ठंडी हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको गरम कर लेते हैं। अब हमारी पेटीज अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा ये आमलेट रख देंगे और इसको इस तरीके से खोल देते हैं। गैस को मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे गैस। अब हम गैस बंद कर देते हैं और हम इसको नीचे रख लेंगे। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसको स्टफिंग डाल करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बारीक कटी हुई हम ये प्याज डाल देंगे। और पत्ता गोभी डाल दी। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। और अब हम रख देंगे इसके अंदर ये पनीर की स्लाइस। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा दही। दही हमें ज्यादा खट्टी नहीं लेनी है। और अब हम डालेंगे ये भुजिया मिक्स। और अब हम डाल देंगे ये हमारा टोमेटो केचप। और अब हम इसको फिर से एक बार तवे पे रख लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। और हम इसको एक बार तवे पे फिर से गरम कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमारी पेटीज बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।